हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में लास्ट फ्राइडे के दिन 10 पैसे की तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो पीछे के एक सप्ताह के अंदर स्टॉक में 1% की तेजी देखने को मिली है, परंतु 1 महीने में 4.5% की गिरावट, 3 महीने में 12%, 6 महीने में 7% की तेजी और 1 साल के अंदर 18% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, परंतु पीछे के एक सप्ताह से इस स्टॉक के निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छा खरीदारी देखने को मिली है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक टॉप लगा 56 रुपीज का, 56 रुपीज के स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म में हाई लगा। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक का नीचे के एक सपोर्ट लेवल है 44 रुपीज। 44 रुपीज के पॉइंट पर स्टॉक ने एक लो बनाया और यहीं से स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिला 44 रुपीज पर और स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में हाई लगाया 51 रुपीज। 51 रुपीज के इस पॉइंट पर हाई लेवल पर स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 46 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 54 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक 53 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक लॉन्ग टर्म में 70 रुपीज के एक बड़े टारगेट के लिए तेजी दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।